आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि घर में एक परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो वो परिवार और घर नहीं चल पाएगा। ऐसे में दोहरी व्यवस्था से एक देश कैसे चल पाएगा? उन्होंने आगे कहा कि संविधान में सभी नागरिकों के समान अधिकारों की बात कही गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड लेकर आओ। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि विविध आयोग ने UCC पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विचार आमंत्रित किए हैं, जिससे यह अटकलें तेज हो गई कि एक मसौदा अगले संसद सत्र में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद से राजनीतिक बहस फिर से छिड़ गई थी। समान नागरिक संहिता पर विपक्ष तो विरोध में था ही, अब NDA में भी तरार देखने को मिल रही है। दरअसल मेघालय के CM कोनराड संगमा ने रविवार को PM नरेंद्र मोदी के UCC पर जोर देने की आलोचना की। कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता में ही हमारी ताकत है। समान नागरिक संहिता के रूप में पार्टी का अब तक का नजरिया भारत के विचार के ही खिलाफ है। It goes against the actual idea of India itself. India is a diverse nation, and the diversity is what is our strength. Of course, we don't know what will happen in the sense that whether what kind of bill will come out, if it does come out. So, without seeing the actual content of a draft, if it comes out, it will be difficult to go into details. But as I said, from a basic concept point of view, as I said, we are a matrilineal society, for example, and that is what our strength has been, and that is what our culture has been. Now, that cannot be changed for us, and definitely that's something that, as a political party, we realize that the entire Northeast, for the matter of fact, has got a unique culture and unique ways of our society, and hence we would want that to remain. And we would not want that to be touched. So therefore, we'll have to see how the bill, if it comes out, it will be, and the actual language in the bill. But as a concept in its own, as I said, it's something that does not go with the entire idea of India being a diverse nation, and diversity being our strength and our identity. And hence, a uniform civil code will go against that idea, is what the National People's Party. यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को एक समान संहिता रखने का विचार है। व्यक्तिगत कानूनों में विरासत, विवाह, तलाक, चाइल्ड कस्टडी और गुजारा भत्ता जैसे कई पहलू शामिल हैं। हालांकि वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून काफी जटिल और विविध हैं और प्रत्येक धर्म अपने विशिष्ट नियमों का पालन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को सभी सदस्यों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनसे संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है। देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।